एस्पैरागस और एस्पैरागस मेरी दोनों पौधे ही देखने पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये दोनों प्लांट्स ही बहुत ही इजी टू ग्रो हैं। आज हम सीखेंगे कि इनको डिवाइड किस तरह किया जाए, एस्पैरागस की किस तरह केयर करनी चाहिए, क्या ये सीड से उगता है, क्या इसकी कटिंग लगाई जाती है या इसको सेपरेट करना सबसे आसान रहता है। इसकी दूसरी वैरायटी का नाम है एस्पैरागस मेरी, जिसको आम जुबान में फॉक्सटेल फर्न के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये फर्न नहीं है, ये फॉक्सटेल नहीं है। सिर्फ इसके पत्ते इस तरह ग्रोथ करते हैं जिस तरह लूमड़ी की धुम हो, इसलिए इसका नाम रखा गया फॉक्सटेल फर्न, लेकिन ये भी एस्पैरागस फैमिली से है। दोनों का तरीका सेम ही होगा। ये मेरे पास करीब एक साल से है। मैंने 3 महीने पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी, ऊपर से पूरा पौधा काट दिया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस बन जाती हैं। ये करीब 1 महीना पहले मैं लेकर आया हूँ। इसको अभी डिवाइड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी इतनी नहीं बढ़ी कि इसको डिवाइड किया जाए 2 हिस्सों में, इसलिए हम सीखेंगे इसके ऊपर। कहते हैं एस्पैरागस को फूल भी लगते हैं और इनके बीज भी बनते हैं, लेकिन मैंने आज तक इसके फूल रियल लाइफ में देखे ही नहीं हैं। लेकिन इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान रहता है, या फिर इसको डिवाइड करना बहुत आसान है। ये गार्डन को डेकोरेट करने में, मतलब कोई शक्ल बनाने में बहुत ही यूज़ में लाई जाती है। लोहे की तारों को जानवर की सूरत दी जाती है, मतलब एक डिज़ाइन बना दिया जाता है तारों से, और तारों के बीच में ये वाला पौधा लगा दिया जाता है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है और जब ये तारों से बाहर वाली साइड पर निकलने लगती हैं, तो इसकी ट्रिमिंग कर दी जाती है। कैंची से इसको काटते रहने से ये उसी शेप में बन जाता है जिस तरह वो जंगला है, जैसे उस जंगले लोहे की तारों को शेप दी गई है किसी जानवर की। हाथी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो, बहुत सारी शक्लें इसको दी जा सकती हैं। तो हम तो कोई शक्ल नहीं देने वाले, हम सीखेंगे इसको सेपरेट किस तरह करना चाहिए और इसका कौन सा सीज़न होता है ग्रोथ करने का। एस्पैरागस 12 महीने ही आपके पास रह सकता है, लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ी इसकी ग्रोथ थम जाती है और समटाइम ये मर भी सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंड अच्छी नहीं लगती। इसको गर्म एरिया अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लू और बहुत ज़्यादा धूप में हीट होने की वजह से भी इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं, इसलिए इसको परमानेंट के लिए शेडी एरिया में रखा जाए तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ चलती ही रहती है। आजकल मई का महीना और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर मैं इसको आजकल की गर्मी में फुल धूप में रख देता हूँ तो ये 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हमेशा शेडी एरिया में रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट हो, सूरज की रोशनी आती हो ज़्यादा टाइम के लिए, ना कि डायरेक्ट धूप। तो चलिए इसके रूट बॉल को भी बाहर निकालते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। यह है एस्पैरागस का रूट बॉल। इसकी जड़ें बहुत ही मोटी मोटी सी बन जाती हैं। अगर इसको रिपोर्ट ना किया जाए तो एक टाइम आता है कि जिस गमले के अंदर आपने लगाया होगा वो इतना बाउंड हो जाएगा कि इसकी जड़ें उस गमले को तोड़ भी सकती हैं, और अगर ना भी तोड़ें तो इसकी जड़ें इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती हैं कि इसकी ग्रोथ रुकने लगती है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी मोटी होती हैं, जिसको ट्यूबर कहा जाता है। ये जड़ें ट्यूबर हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका होता है, इसको छुरी से आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। मेरे पास ये कटर है तो कटर से ही मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। अगर आप चाहें तो 3 से 4 हिस्सों में भी डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड करना बहुत ही आसान है और इसकी केयर करना भी उतना ही आसान है। ये हमारे पास एक पौधा बन चुका है। अगर हम चाहें तो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिवाइड नहीं करूँगा, मेरे पास 2 पौधे ही काफ़ी रहेंगे। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या कंपोस्ट। छोटे से गमले के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी बढ़ेगी और ये बुशी बन जाएगा, तो जल्दी ही डिवाइड करने के काबिल भी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह इसको दीजिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे बढ़ सके। और जो लीव ड्राई हो जाते हैं ये बेसिकली इसलिए ड्राई हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। अब ये देखिए, ये एक चीज़ अलग से डिवाइड होगी। इसको भी हम चाहें तो एज आ कटिंग ग्रो कर सकते हैं, ये भी अपनी ग्रोथ और रूटिंग शुरू कर सकती है। इसकी बारीक बारीक सी पत्तियाँ इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि सूरज की धूप नीचे वाली साइड पर आ ही नहीं पाती। और हमेशा बात याद रखिए, जब भी सूरज की रोशनी नीचे वाले पौधे के हिस्से पर ना आ पाए वहाँ पर फंगस लग सकता है, या फिर वहाँ पर जो पत्ते हैं वो पीले होकर खुश्क हो जाते हैं और जड़ जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सूरज की रोशनी से ही पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल पूरा करते हैं, मतलब उनके पत्तों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है कि वो सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं और पूरे पौधे को ऑफर करते हैं। इसलिए पौधे को बहुत ज़्यादा बुशी नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी ट्रिमिंग करते रहना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी नीचे तक आती रहे। अब हम इसको लगा देंगे। इसको लगाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, गर्मी के दिनों में लगाएं या फिर सर्दी के दिनों में लगाएं, इसकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में ये काफ़ी स्ट्रेस में होता है, इसलिए उस स्टेज पर आप इसको ज़्यादा ना तो ओवर वाटरिंग करेंगे और ना ही इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका थोड़ा सा और रूट बॉल तोड़ लेते हैं ताकि
ये आसानी से इस गमले के अंदर फिक्स हो पाए। इसकी मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट रखना पड़ता है, अगर कंप्लीट मिट्टी ड्राई हो जाए तो ये पौधा सूख जाता है। एक मरतबा भी लेस वाटरिंग हो गई, मतलब अंडर वाटरिंग हो गई, तो इसके पत्ते पीले होकर खुश्क हो जाते हैं और जड़ जाते हैं। इसलिए इसकी मिट्टी को हर वक्त थोड़ा सा गीला रखना पड़ता है ताकि इसकी ग्रोथ रुके नहीं। इस पौधे की अगर खाद की बात की जाए तो इसको नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके ज़्यादातर पत्ते ही ग्रोथ में रहते हैं और ज़्यादा दिनों तक पत्ते टिक पाएँ, इसलिए हमें नाइट्रोजन वाला खाद देना पड़ेगा ताकि इसके पत्ते ग्रोथ भी करते रहें और साथ में हरे भरे भी रहें। नाइट्रोजन वाली खाद ऐसे पौधों को दी जाती है जिनके ज़्यादातर पत्ते ग्रोथ में आएँ और उनको हरा भरा रखना हो, तो अपने पौधे को हरा रखने के लिए नाइट्रोजन देना पड़ेगा इसको। तो नाइट्रोजन का सोर्स सबसे अच्छा गाय का गोबर ही है। हर 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद थोड़ा सा गाय का गोबर गमले के सरफेस पर फैला दीजिए और पानी दे दें। इससे पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी और साथ में पत्ते भी हरे रहेंगे। इसी तरह मैं दूसरे को भी कर लेता हूँ। इसके ट्यूबर्स को काट भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्यूबर्स होंगे रूट बाउंडिंग के उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे दोनों पौधे ही शिफ्ट हो चुके हैं, अब इनको हम पानी दे देंगे और पौधे को शेडी एरिया में रखेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और इनके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। इनकी कटिंग लगानी हो तो मैंने एक कटिंग लगा कर देखी थी सर्दी के दिनों में, जनवरी के महीने में। यंगर शूट जो भी हो, यंगर पत्ता जो भी ग्रोथ कर रहा हो, उसकी छोटी सी स्टेम काटिए और इसको हम लगा देंगे 2 इंच मिट्टी के अंदर। लेकिन जिस मिट्टी के अंदर हमने कटिंग को लगाना हो उसके अंदर कोई भी खाद यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ मिट्टी होनी चाहिए या फिर कोकोपीट होनी चाहिए। 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कटिंग के लिए। इसलिए आप इनको ऐसी सोइल के अंदर लगाएं जिनके अंदर कोई भी खाद या गाय का गोबर यूज़ ना किया गया हो। कटिंग लगाने के बाद इसको पानी दीजिए और शेडी एरिया में रख दें। कुछ दिनों में इसकी भी रूटिंग शुरू हो जाती है, मतलब ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है। पूरा साल ही ये एवरग्रीन रहता है, लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ी ग्रोथ इसकी रुक जाती है, लेकिन पत्ते फिर भी इसी तरह ग्रीन ही रहते हैं। होपफुली डिवाइड करने के बारे में आपको पता चल गया होगा। एस्पैरागस का एक पौधा नर्सरी से ले आइए और उससे कितने सारे आप पौधे डिवाइड करके बना सकते हैं। तो कंटिन्यूली इसी तरह डिवाइड करते रहे, एक साल के अंदर आपके पास 20 या 30 पौधे बन सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।